नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। 28 अक्टूबर को है साल का अंतिम चंद्र ग्रहण। महिलाएं भूल से भी ना करें ये काम। साल का आखिरी चंद्र ग्रहण शरद पूर्णिमा पर लगने जा रहा है। ये आंशिक चंद्र ग्रहण भारत में भी दिखेगा। ऐसे में शोतक काल ग्रहण का समय जान ले और इन नियमों में कोताही ना बरते। हिंदू धर्म में ग्रहण बहुत अशुभ माना गया है। 28 अक्टूबर 2023 को शरद पूर्णिमा पर फिर चंद्र ग्रहण लगने वाला है। ये साल का आखिरी चंद्र ग्रहण होगा जो खड्ग्रास रूप में भारत में दिखाई देगा। शास्त्रों के अनुसार जहां चंद्र ग्रहण दर्शनीय होता है वहां शोतक काल भी मान्य होता है। शोतक काल से ग्रहण खत्म होने तक सभी धार्मिक कार्य सामाजिक कार्य करने की मनाही होती है। चंद्र ग्रहण के दौरान खासकर गर्भवती स्त्रियों को नियमों का पालन करना चाहिए क्योंकि इससे बच्चे की सेहत पर असर पड़ सकता है। आइए जान लेते हैं साल का आखिरी चंद्र ग्रहण कब शुरू होगा और कब समाप्त होगा, शोतक काल का समय और गर्भवती स्त्रियां क्या करें क्या ना करें। आइए क्यों लगता है चंद्र ग्रहण। विज्ञान के अनुसार जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी लाइन में आ जाते हैं और चंद्र पर पृथ्वी की छाया पड़ने लगती है तो चंद्र ग्रहण होता है। आमतौर पर चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन ही लगता है। वहीं धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब राहु चंद्र को ग्रसता है तो चंद्र ग्रहण लगता है। खड्ग्रास चंद्र ग्रहण क्या होता है। चंद्र ग्रहण तीन तरह के होते हैं, पूर्ण चंद्र ग्रहण, आंशिक और उपछाया। खड्ग्रास चंद्र ग्रहण को आंशिक चंद्र ग्रहण भी कहा जाता है। जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा के कुछ भाग पर पड़ती है तो इसे खड्ग्रास यानी आंशिक चंद्र ग्रहण कहते हैं। इस ग्रहण में धार्मिक महत्व होता है इसलिए इसका शोतक भी मान्य होता है। आइए अब जानते हैं चंद्र ग्रहण किस समय लगेगा। भारत में चंद्र ग्रहण 29 अक्टूबर 2023 को देर रात 1:06 पर शुरू होगा और देर रात 2:22 पर खत्म होगा। चंद्र ग्रहण में शोतक काल 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है। ऐसे में शरद पूर्णिमा के दिन यानी 28 अक्टूबर 2023 को दोपहर 2:52 से शोतक शुरू होगा जो ग्रहण समाप्ति पर ही खत्म होगा। चंद्र ग्रहण में गर्भवती स्त्रियों को क्या काम नहीं करने चाहिए। चंद्र ग्रहण काल में चंद्रमा की किरणें दूषित हो जाती हैं। ऐसे में गर्भवती स्त्रियों को इस दिन भूलकर भी घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, इससे बच्चे को हानि हो सकती है। प्रेग्नेंट लेडी चंद्र ग्रहण के समय चांद को ना देखे, इसका दुष्प्रभाव मां के साथ साथ बच्चे पर भी पड़ता है। गर्भवती महिलाओं को चंद्र ग्रहण के दौरान नुकीली वस्तुएं जैसे सुई, चाकू, कैंची से दूर रहना चाहिए। मान्यता के अनुसार ग्रहण के समय नकारात्मक शक्तियां हावी होने लगती हैं। ऐसे में गर्भवती स्त्रियों को ग्रह काल में हनुमान चालीसा, विष्णु सहस्त्र नाम, आदित्य हृदय स्त्रोत, विष्णु हस्ताक्षरी मंत्र और पंच हस्तात्री मंत्र का जाप करना चाहिए। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि सभी वीडियो आपको मिल सके। आपका धन्यवाद। कमेंट में जय मां लक्ष्मी लिखना ना भूलें।